शहर के पागलखाना चौक के पास तीन अज्ञात आरोपियों ने वाहन पर आकर चाकू की नोक पर दो महिलाओं को लूटा। फिरियादी की शिकायत पर सदर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आगे की जांच जारी है। आए दिन अपने शौक पूरे करने के लिए शहर के अधिकतर परिसर में दिन दहाड़े महिलाओं को चाकू की नोक पर लूटा जा रहा है। ऐसी एक घटना सदर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले पागलखाना चौक के पास रात 11 बजे करीब होटल के सामने से जा रही दो महिलाओं को पीछे से वाहन पर आए तीन आरोपियों ने चाकू की नोक पर महिला के चांदी के आभूषण तथा मोबाइल लेकर वहां से फरार हो गए। इस घटना की शिकायत फिरियादी ने सदर पुलिस थाने में दर्ज की। सदर पुलिस ने सीडीआर की मदद से तीन आरोपियों को धर दबोचा। बता दें कि इनमें से दो आरोपी नाबालिग है और एक बालिग। आरोपी का नाम इंदिरा माता नगर निवासी विवेक उर्फ बिल्ला मनोज अंबोदे बताया जा रहा है। अपने शौक पूरे करने के लिए आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने मोबाइल, चांदी के आभूषण और हीरो होंडा की स्प्लेंडर वाहन आदि जब्त किए हैं। इस घटना की जानकारी सदर थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक विलास मोरे इन्होंने दी है। दिनांक 1/5/2021 रोजी फिरियादी आणि तिची मैत्रीण असे पागलखाना चौकाचा जवळील करीम हॉटेल आहे, त्या करीम हॉटेलच्या समोरून पायी जात असताना ह्या गुन्ह्यातील जे आरोपी बाईक मोटर हिरो होंडा स्प्लेंडर मोटरबाईकनं आले आणि त्यापैकी एकानं त्याच्याजवळील चाकू दाखवला। त्यावेळेस फिर्यादी घाबरल्या आणि दोघांनी एका तिच्याकडचे दोन मोबाईल आणि गळ्यातील चांदीची चेन चोरून हिसकावून घेऊन गेलेली आहेत अशी फिर्याद दिलेली आहे। त्या गुन्हा नोंद केलेला आहे। त्या गुन्ह्याचा तपास आम्ही स्वतः करीत होतो। वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक बाकलसाहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली माझी गुन्हे प्रकटीकरण पथकातील जे टीम आहे भास्कर रोकडे आणि नापोशी हरीश बडिये सुधीर मडावी धीरज आणि हरीश गोपाल मानकर असे आम्ही। शहर में कोरोना का आतंक तो दूसरी ओर बेरोजगारी एवं अपने शौक पूरे करने के लिए आरोपी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन ध्यान दे, यही समय की मांग है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ संजय मिरे की रिपोर्ट, BCN न्यूज नागपुर।